कर रहे थे, मैं बोल रहा था कैसे कैसे रिएक्शंस मिल रहे हैं, रिस्पांस, वो तो ट्रेलर के पहले था, अभी ट्रेलर के बाद जो सीटियां और तालियां हैं और अनुपम सर ने जो कहा, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? लगता है सबको भूख लग रही है ना भाई, बोल रहे हैं वो और ताली सीटी बजा लो। आपका माइक ज्यादा बेटर आवाज क्यों कर रहा है, इससे बोलो, इस पे बोलो, हेलो, हाँ बेटर है। अच्छा, ओ बेस वेस बढ़ा के रखते हैं नीचे। तो क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा अब जो रिस्पांस मिला उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? और भी देखोगे, मुझे पूरा यकीन है सबको अच्छा लगेगा, फिल्म भी बहुत अच्छी लगेगी, आई एम श्योर अबाउट इट। तो लेट्स होप द बेस्ट। मुंबई में मैं कहूं इस तरह से पहली बार हमारे मीडिया के साथ से मिल रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है ना? और काफी अरसा हो गया हिंदी में बात किए लेकिन जैसा मैंने कहा, हिंदी हार्टलैंड में तो ऑलरेडी आपकी बहुत बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है, सालों से हम सब प्यार करते हैं, काफी देखी है, बिल्कुल डब फिल्म। तो घर में बैठ के जितने फैंस देख रहे हैं उनको, से पहले आपने किसी और की आवाज सुनी, अब मेरी आवाज सुनोगे? He said it. And now, ladies and gentlemen, I know बड़े सारे सवाल हैं, वो मौका मैं आपको जरूर दूंगा। The very gorgeous and उनकी पहली बड़ी pan Indian film Nupur Sanon is here, ladies and gentlemen. Language वाला मैं भूल गया था, super guys, super. And thanks to the team for doing this, you know. Yeah, exactly. Nupur, I really appreciate. Super. This stellar cast, you know, star cast, मैं बोलूँगा, ये लोग खुद stars नहीं मानते, but they are there. What do you have to say about this project of yours? धक धक. Okay. धक धक. I am मैं बहुत 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 honored feel कर रही हूँ. हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है कि आप अपनी शुरुआत करियर की इतने amazing actors से करो. सर मैं, आप लेजेंड हैं, बट मैं आपको बुरा लगता है तो मैं ये नहीं बोलूंगी, पर बहुत ही कमाल के एक्टर्स. बुरा नहीं लगता, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि लेजेंड, थेस्पियन, वेटरन बोल के अब आपको रिटायरमेंट की तरफ ले जाया जा रहा है. ओह नो 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 नो, सीरियसली, वैसे मेरा अगले 25 साल तक रिटायरमेंट का आर भी सोचने की कोई गुंजाइश, फिर तो बिल्कुल सर, दैट्स द ओनली रीजन, अदरवाइज हम बैन कर देते हैं इस वर्ड को. 540 फिल्म्स, आई हैव बीन हियर इन मूवीज फॉर 40 इयर्स, बट ये जो इस्तेमाल होता है ना इन वर्ड्स का, वो बहुत दूर है मुझसे, इसलिए बट आई एम हैप्पी दैट यू फील दैट फॉर मी. सर बहुत रिस्पेक्ट है दिल में आपके लिए, एंड आप, मैं आपकी फैन रही हूँ. सो रही हूँ मतलब मैं आपकी फैन रही हूँ हमेशा से और आज भी. ओ गॉड, रैगिंग स्टार्ट हो गई मेरी. बट सर आई नो हमें एक भी सीन करने का मौका नहीं मिला साथ में, हमें दूर रखा गया, पर आई होप आगे आपके साथ काम करने का मौका मिले. और ओके एंड रवि सर के बारे में मैं क्या बोलूं? रवि सर नहीं, सिर्फ रवि सर, ये तो नहीं होने वाला है. मास महाराजा के बारे में मैं क्या बोलूं? जय मास महाराजा. वाह 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 वाह. सो ही हैज बीन द बेस्ट को एक्टर, एंड इनकी हिंदी इतनी अमेजिंग है. इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है इतने सारे सीन्स में. खुद से मुझे बोला कि नुपुर, क्या मैं इस सीन में हिंदी में डायलॉग्स दूँ, तू बेटर परफॉर्म कर पाएगी. एंड इतना सोचना ही, सच अ सेल्फलेस एक्टर, व्हिच इज अमेजिंग. वाज दैट अ फ्रॉइडियन स्लिप? सेल्फिश, सेल्फलेस बोला मैं. ओ गॉड, इससे पहले कि ये लोग इसको पकड़े. नहीं 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 नहीं, देखो एक्टर जब तक सेल्फिश नहीं होगा, मैं लेट मी जस्ट, बिकॉज़ दे विल, यू नो, यू आर, इट्स योर फर्स्ट फिल्म, दीज आर द, ये बड़े घाग लोग हैं यहाँ पे, देखो जी सेल्फिश. तो आई एम मेक हेल्पिंग यू इन सेइंग दैट इट्स ऑल राइट टू बी अ सेल्फिश एक्टर. या इट्स ऑल राइट मींस यू शुड थिंक अबाउट योरसेल्फ, बट आई मेंट सेल्फलेस. हाँ वो बात है, ये भी क्लियर कर दो सर प्लीज, ये जाने वाला है. नहीं कुछ नहीं, नहीं वो क्या बताया अनुपम जी, वो बाद में पता चलेगा, थोड़ी देर के बाद, तीसरी चौथी फिल्म के बाद होगा ये सब, ठीक है? हाँ लगे रहो. ओके, फाइनली आई वांट टू थैंक वामसी सर, आपने मुझे सारा दिया और आपने मुझे सारा कैरेक्टर आपने लायक समझा मुझे कि मैं ये कर सकती हूँ. और अभिषेक सर, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. सब छुपके, सारे जो महान काम करने वाले सब लोग सब छुपके बैठे हुए हैं, बट थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच नुपुर फॉर दैट,
फॉर शेयरिंग दैट विद ऑल ऑफ अस. एंड अब हम समझ गए, अच्छा है ना, देखो दूर दूर रखा, नहीं तो कितनी और क्लास लगने वाली थी, है ना. यहाँ पे एज आई सेड यू नो दिस अमेजिंग अमेजिंग स्टार कास्ट, बट इट इज ओनली फेयर बिकॉज अनुपम सर ने भी बोला, अभी नुपुर ने भी बात की. सो वामसी सर, मुझे लगता है आपको मैं पहले यहाँ पे बुला लेता हूँ थोड़ा ऑर्डर तोड़ते हुए. गिफ्ट में गायत्री जी सब लोग बैठे हुए थे, अ लॉट ऑफ पीपल वर कंप्लेनिंग सर, एंड यू टुक इट वेरी स्पोर्टिंगली. प्लीज यहाँ आइए. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस, वी हैव नेवर सीन दिस, यू नो, द एंटायर नेशन और शुड आई से द ग्लोब, जहाँ पे इंडियन फिल्मों को पसंद किया जाता है, दे ऑल वेंट क्रेजी. दे वर लाइक, हमको बस ट्रेलर दे दो अब. What do you have to say about that kind of a response, जो पहले से मिल रहा है सर? Yeah, I mean, it's always a great feeling. Like, right. It's the best feeling you can ever get it, actually. And coming, and thanks to Ravi sir and Abhishek sir, because we're launching the trailer at yes. Mumbai. Yes. You know, that's a great idea. And, you know, it starts from here. Yes. This is our first promotion, actually. So it's a bang on. So what else can I ask for? चलो ठीक है, bang on हो गया. सबको बहुत सारा प्यार यहाँ मिल रहा है. So quickly, if you have to, you know, tell us about this gentleman here, Mass Maharaja. Of course, wo you've kept that intact. You know, that image is intact, and he's true to this character of his. What do you have to say about this journey of Tiger Nageswar Rao, sir? So before going to that, as Anupam ji has told, no, you know, all my actors, if you see it, I'm a director who wants to have the intensity on the eyes. So you watch every actor, they all have eyes on intensity. If you watch everybody here. So that was my casting of it, which Anupam ji has told that, you know. So thank you, sir. It's a big heart to say that, because having said that, you've done like 500 films, you know, young director like me coming and asking to do this, like he never even had an inch doubt. He said, I'm going to do this. He never had an inch doubt. So thank you for accepting that, and thank you. And yeah. Coming to the my tiger, my man. So Ravi sir has always been an right from the start of the story narration till now, yes. Even in future also, he always had my back. Like he always had my back, and he was encouraging me from behind. But he doesn't want to say it. But I know that he's always behind me, taking care of me, like whether I'm putting my steps right or wrong. Yeah. So that was his intention, and you know, that made me believe. And what you guys seeing right now is. I want to thank every actor over here, because it's easy to write, but the actors, you know, they all have to perform coming out of their comfortable zones, all of them actually. So, you know, believing that, and they all came, like everybody, like Jisu sir, I mean, Anu and Gayatri, Renu Garu, Anupam ji, Ravi sir, no, Nupur, they're all, I mean, actors, I mean, movies comes in a different way, but this film is something else actually. You know, we want to get into the world, right from the costumes, right from the locations. In fact, Ravi sir has a, like he cannot get into work into dust. He has a huge dust allergy. Like for us, it's a valid of work, but he cannot. But all the fight sequences, all the things, well, it was full of smoke. It was full of fire. It was full of, because people who have dust allergy, they cannot even stay for a minute. But he stayed for hours just for the film, because he's purely a film lover. So that's why it happened. And I want to really thank each and every of this actor here. Who came to me and who believed in me, like, you know, because it's very tough to crack this idea. And when you tell an actor, they have to believe in us. If you don't believe in that, you cannot get it on the screen. You know, transformation from paper to screen is very difficult. There's a huge bridge, actually. That comes only when it has a relationship between the director and the actor. So all these actors were like on spot on. And I want to thank you them for believing in me and giving me what I want. Yeah. Wow, directors, actor, bolte hain.